बमलेश्वरी मैया की मठ में उपस्थित आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, आदरणीय ताम्रध्वज भैया, आदरणीय रवि चौबे जी, आदरणीय चंदन यादव जी, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, फूलोदेवी नेताम जी, राजेश तिवारी जी, अविनाश चौबे जी, आदरणीय यशोदा वर्मा जी, हर्षिता बघेल जी, निर्मल कोसरे जी, आदरणीय भाई अरुण वोरा जी, आदरणीय मुकेश चंद्राकर जी, देवेंद्र यादव जी, आदरणीय शाहिद खान जी, गजेंद्र ठाकरे जी, नवाज खान जी, संदीप सिंह जी, सारिक रईस खान जी, राजेंद्र साहू जी, भागवत साहू जी, प्रदीप शर्मा जी, झुमुख साहू जी, मोतीलाल जंगेल जी, नीलांबर वर्मा जी, भिकम चंद जैन जी, रामकुमार पटेल जी, रमेश साहू जी, आकाश जी, कोमल साहू जी, चंदन यादव जी, साथ ही मंच में बैठे सब अतिथि मन, बहुत जन के नाम नहीं ले पाए, हमारे खैरागढ़ के पूर्व विधायक भी बैठे, गिरवर जंगेल जी, धनेश पटला जी भी बैठे, सब जन में प्रणाम करते हुए ये पांचों छह विधानसभा के कार्यकर्ता मन आए हैं, ब्लॉक अध्यक्ष मन, सेक्टर और जोन के बूथ के अध्यक्ष और प्रभारी मन, साथ ही हमारे यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, एनएसवाई के सब अध्यक्ष मन, पदाधिकारी मन और सब हमारे किसान भाई मन, मजदूर साथी मन, दीदी बहनी मन, नौजवान साथी मन और पत्रकार मन, लगातार अभी दो दिन तक के राहुल जी बस्तर में रही से, कल राजनांदगांव और कंवरधाम में होकर कार्यक्रम हुए, बहुत जन साथी मन हूं भी रही से और आज वो आए, जबरदस्त उत्साह, चाहे वो बस्तर हो चाहे राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र हो, सब जगह जबरदस्त उत्साह, प्रथम चरण के जिन 20 विधानसभा है उनमें अब कोई संशय नहीं रहेगी, ये ममा भाचा मन तक जाते ना, हाँ एक के नाम नहीं चढ़ना चाहिए, किसे ममा भाचा ला अब सवार हो गए तो जाना अच्छे भांची तक है वो नहीं पढ़ी, फिर 5 साल पहले जिन काम करें तेकर बारे में हमारे सब साथी मन चर्चा कर चुके हैं, जब हमार राहुल जी, हमारे नेता राहुल जी ऋण माफी की बात करी, 2500 क्विंटल रूप में धान खरीदे की बात करी, बिजली बिल हाफ के बात करी, 4000 प्रतिमाना बोरा के दर से तेंदू पत्ता की बात करी, कोनो विश्वास नहीं करा, भाजपा के साथी मन कहा हम 15 साल ले छत्तीसगढ़ में शासन चलाए लेकिन हमन 2100 नहीं पहुंचा पाए, 300 रूपये बोनस देवो के तेला नहीं दे पाए, ते कैसे 2500 दे डरू, कांग्रेसी मन कैसे दे डरू, मैं कहीं एक घाव मौका मिले, 15 साल हो गए एक बार मौका मिली वो सब लग करके दिखाओ, और हो ही सोचने राहुल जी के बात में पूरा छत्तीसगढ़ 68 सीट जिताईस, रमन सिंह 15 साल ले मुख्यमंत्री रही से कभी 55 सीट नहीं जीते, और हमला जब आशीर्वाद दी छत्तीसगढ़ के जनता तो 68 सीट जीते, और वह नहीं रुके, जब उपचुनाव हुई जिसमें खैरागढ़ भी शामिल है तो हमारी संख्या 71 हो गए, आज 71 की विधानसभा है, केंद्र सरकार बहुत अड़ंगा लगाई, हर बात में अड़ंगा लगाते, कैसे छत्तीसगढ़ के जनता परेशान करन, किसान ला परेशान करन, मजदूर ला परेशान करन, आदिवासी और महिला मल्ला नौजवान ला परेशान करन, वो मन तय करके रखे। एक ठक ताजा बात बताओ तुम्हें, विधानसभा में रमन सिंह के इस में 2 साल के बोनस धू कह रहे तिल नहीं दे पाए, और ते घोषणा पत्र में शामिल करे वो दूहू की के वो कब देवे, मेरे डॉक्टर तो लाश तक नहीं लगाए,
ते घोषणा कर, ते वादा कर, और वो नहीं करे तो मैं पूरा करूं। मैं प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखे, प्रधानमंत्री कहे कि बोनस देना ते बंद करे, जब ले डबल इंजन की सरकार बने हैं, केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से बोनस मिलना बंद हो। नहीं मनमोहन सिंह के समय में भी किसान मतलब सुरता करो, उस समय 50 रुपया 100 रुपया प्रति क्विंटल के बोनस दे रही थे, राज्य सरकार तो दे रही से, मनमोहन सिंह भी बोनस दे रही ना। ये जब ले आया है दाढ़ी वाला तब ले बंद है, न खुद दे न दूसर ला देन देवा। मैं कहे ते हाँ अनुमति भर दे दे तो उसे पैसा उसे नहीं मांगा था मैं। जेन दिन अनुमति आई मैं आप कहना चाहता हूं, वही दिन किसान के खाता में 2 साल रमन सिंह नहीं दे, तीनों पैसा किसान के खाता में जाई। आवाज पर अपन हिस्सा नहीं देवा थे। राहुल जी यही 7.5 लाख गरीब के घर आवास बनाए बार उनका पहली किस्त पैसा पहुंच गया। प्रियंका जी कहा के राइस वो दिन घोषणा करीस कि हमार सरकार फिर से बनाओ, गरीब मन के 17.5 लाख आवास फिर से बनी, केंद्र सरकार पैसा दे चाहे मत दे लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार गरीब के मकान बना कर रही है। एक तरफ वो मन है जे मन हमें काम नहीं करन दे, दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदा भी आते, वैश्विक महामारी कोरोना काल, वो समय तनख्वाह बांटना मुश्किल रहा, सबके तनख्वाह 30% कटौती कर देनी से। ये फूलो देवी नेताओं हमारे राज्यसभा सदस्य है, प्रमोद तिवारी जी राज्यसभा सदस्य है, एकर मन के 2 साल तक के सांसद निधि पैसा चलन नहीं दी मोदी जी, 5-5 करोड़ रुपये मिला दी तेरों बंद कर दी। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार न विधायक निधि बंद करीस, न काकरो तनखल बंद करीस, कटौती करीस, बल्कि किसान से जिन वादा कर रही राहुल गांधी जी कि 2500 खरीदबो, मोदी जी तो मना कर दे रही से समर्थन मूल्य 1 रुपये कहूं ज्यादा देबे तो फिर तो सहायता मिलते केंद्र से मिलना बंद, तो चाउर खरीदते तेल बंद कर दे वो, और सही बंद कर दी से 1 साल 24 जो कमेटी के अध्यक्ष रही से, और वो समय हम धान ला 1900 खरीदे न 1300-1400 रुपये बाजार में बेचे रहे, लेकिन किसान ला घाटा नहीं होने देना। राहुल जी कह रही से कि किसान ला पैसा देना 2500, तो इस संकट में भी वैश्विक महामारी में भी तुम्हारे साथ खड़े रहें, किसान के साथ खड़े रहें, और ये 4 किस्त में पैसा दे। और जाल बांध हम आज कार्यक्रम रखे के पीछे उद्देश्य, जब मैं खैरागढ़ उपचुनाव आ रहे तैयारी देखे पर, तो जाल बांधा सोसाइटी में एक जन पढ़े लिखे नौजवान लड़कर इसे MBA पढ़े रही, वो कहते थे 1 किस्त हम दूं, कह रहे 4 किस्त कावर दे थस, तो एक जन सियनी खड़े रहे, अरे तुहर राज में तो देवो के तेलो नहीं दे, ये कम से 4 किस्त दे तो है, देवत तो है, तुम तो वादा करके भी नहीं दो। उसियान लग भरोसा इस कांग्रेस के ऊपर। दूसरा बात वो लैकल में कहते पढ़े लिखे एक राजीव जी की शहादत दिवस 21 मई हम पहली किस्त दे थे, राजीव जी की जयंती 20 अगस्त दूसरा किस्त दे थे, तीसरा किस्त राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर के देते, और वित्तीय वर्ष समाप्त होते थे 31 मार्च के पीछे चौथा किस्त देता। मैं कहे 21 मई 20 अगस्त 1 नवंबर के पैसा मत निकालबे, एक संग्रह 31 मार्च के पैसा निकालबे, एक किस्त हो जी बाबू। हर परिस्थिति में बताया का मतलब ये है, वो समय कोरोना महामारी से कैसे परिवार चलाबो, तब हमर सरकार कांग्रेस की सरकार सबके घर में 3 महीने का राशन ले 1 संग्रह भिजवा रहे हैं, भिजवा रहे हैं नहीं भिजवा रहे मिले रही से नहीं। वो समय मनरेगा शुरू करें जिन सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी शुरू करी मनरेगा शुरू कर 26 लाख परिवार मनरेगा के तहत, वो समय दुकान बंद रही से, फैक्ट्री बंद रही से, परिवहन बंद, वो समय आमा इमली
और तेंदु पत्ता तोड़े सीजन रही से महुआ के सीजन रही से और खरीदे की व्यवस्था करें। गरीब आदमी के इनकम खत्म नहीं होना चाहिए वो प्रयास। और किसान मतलब पहले के 1500 करोड़ रुपए तुम्हारे खाता में डाले काम न कर रहे। आज वो निरंतर चला थे राहुल जी 2500 के रिसे ये साल तो 2640 और 2660 रुपए पड़े। और अभी धान बेचो तेरे समझ लो कत का पढ़ी तेरा बोले जरूरत है सब लोग विश्वास है भरोसा है कांग्रेस के ऊपर भरोसा है ना। हाँ काका अभी जिंदा है बाबू। हाँ आपके पास हम तो 75 के हैं तुम तो 80 को दिल लगा थे। अच्छा 5 बोनस में दे था। मैं आप सब लोग प्रणाम कर रहा था तो 75 जन पार के 75 नंबर सीट रही ना राजनांदगांव शामिल है ना मगर मतलब नांदगांव जिला में केवल नांदगांव भर भाजपा के हाथ में रही से खैरागढ़ उपचुनाव जीत ले रहे हैं एक एक करगर इस उन निकाल के फेंक रहे हैं ना। तैयार हो अभी तक के भारतीय जनता पार्टी वाला मल्ला सांप सूंघे है एक ठक तो घोषणा करती गा कि हमार सरकार आई तो किसान बर मजदूर बर गरीब बर महिला बर ये काम करबो एक ठक नहीं करे। हमार सरकार है हमार लगातार 5 साल काम करें और गिनाहो बहुत लंबा लगी वो बात मैं नहीं बोलना चाहूं लेकिन फिर भी हमार नेता राहुल जी आ रही से प्रियंका जी आ रही से खड़गे साहब आई ये मन लगातार हमार सरकार बनाओ तो हमने ये काम करबो मैं वो लिस्ट गिना देता हूं। पहली बात तो हमन फैसला करें 15 क्विंटल के जगह 20 क्विंटल खरीदी। आज 30 तारीख है परम दिन धान खरीदी शुरू हुई और प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान बेच। अच्छा एक बात मैं क्लियर कर देता हूं क्योंकि हमन फैसला करें का फैसला करें कि किसान मन के फिर से ऋण माफी होई बोले ना तो भाजपा वाले उकर मन के पेट में पीरा होते काबर ऋण माफी कर सकते हैं। मैं कहें उद्योगपति मन के बड़े बड़े अडानी उकर संगवारी मन के 14 लाख करोड़ रुपए माफ कर देते हैं तब कोई बात नहीं। कांग्रेस की सरकार है यदि 9000 करोड़ रुपए सेवा करेंगे और ऐसी करेंगे।